नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीनीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज, आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। प्रयागराज में बीते 18 अप्रैल को प्रयागराज के थाना घोरपुर में हो रहे आरटीओ द्वारा ओवरलोड गाड़ी पासिंग कराने पर जब पत्रकारों ने आरटीओ भूपेश गुप्ता से सवाल करने पर और ओवरलोडिंग की वीडियो बनाने पर गुस्साए आरटीओ ने धमकी देते हुए कहा कि अगर वीडियो डिलीट नहीं करेंगे तो फर्जी मुकदमे की धमकी दी। दर्जन भर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि आरटीओ के खिलाफ पत्रकारों ने भी लिखित शिकायत कर आरटीओ के खिलाफ मुकदमे के दर्ज करने के लिए लिखित दिया, लेकिन आरटीओ पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसी विरोध में आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक भगवान प्रसाद उपाध्याय और मंडल अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी, आरके शर्मा और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, दर्जनों पत्रकारों ने पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज को ज्ञापन दिया और कहा कि इसकी जाँच किसी उच्च अधिकारी से कराए और अवैध ओवरलोड गाड़ी पास करा रहे हो आरटीओ पर मुकदमा दर्ज करवाए। भारतीय पत्रकार महासंघ पत्रकारों पर हो रहे हैं फर्जी एफआईआर की घोर निंदा करते हैं और संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रशासन ने पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज करना बंद नहीं किया तो सभी पत्रकार एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश के शासन प्रशासन पर होगी। प्रयागराज से जगदीश सिंह की एक रिपोर्ट।